चेक करो आजू बाजू में सर, वॉच। सर, लड़की के पास पड़े बैग से जो सामान मिला है, इन पर से फिंगरप्रिंट्स लेकर हमने एनालिसिस के लिए भेज दिया, लेकिन सर लड़की की बॉडी क्लेम करने के लिए कोई आया नहीं है। और आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट इस उम्र की लड़की की? सर हम पता लगा रहे। ये छड़ी, ये बोलकर टाइम बताने वाली घड़ी, ऐसा सामान तो नेत्रहीन लोग ही यूज करते हैं। पहला गैस यही है कि इस लड़की का सामान, लेकिन किसी और का भी हो सकता है। सर अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म होता है कि ये लड़की नेत्रहीन थी, तो ये सारा सामान उसी का होगा। वैसे केस तो एक्सीडेंट या सुसाइड का ही लग रहा है, लेकिन मर्डर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक काम करो, बस टिकट्स की जांच करवाओ, शायद लोकेशन का कुछ आइडिया मिले। सर हाँ सर, ये टिकट हमारी बस कंपनी की है, और सर ये कल का टिकट है, हबीबगंज से भोपाल जंक्शन के लिए काटा गया है, और सर बाकी टिकट से या तो हबीबगंज जाने के लिए है या हबीबगंज आने के लिए। ये टिकट हमें नेत्रहीन लड़की के पास से मिले, ये टिकट आपने काटी है? हमारी कंपनी की बहुत सारी बसेस और बहुत सारे कंडक्टर, बताना मुश्किल है सर किसने काटा है, क्योंकि सर बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, किस किस को याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, हबीबगंज चलो। यहाँ आसपास कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? नहीं। यहाँ आसपास कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? हाँ साहब, पीछे वाली सोसाइटी में एक लड़की रहती है, उसका भाई रोहन यहीं ऑर्डर दे जाता है, और उसके यहाँ सामान पहुँचाने में ही जाता हूँ साहब। हमें उसका घर दिखाओ। यहाँ कोई नेत्रहीन लड़की रहती है? हाँ, अनुराधा रहती है। हमें शक है कि उसका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। क्या? अनुराधा का एक्सीडेंट हो गया? कल। अच्छा, उसके घर में कोई और नहीं है, माँ बाप वगैरह? उसके माँ बाप जैसे हैं साहब, बस एक भाई है उसके साथ। उसका तो इस वक्त उसका भाई कहाँ है? किसी काम से चंडीगढ़ गया हुआ है। रोहन को क्या जवाब देंगे अब? रात को तो हम आए थे, दरवाजा भी खटखटाया था हमने, हमने सोचा कि सो रही होगी, डुप्लीकेट चाबी रहती है हमारे पास। सुबह जब हमने घर खोलकर देखा, कोई नहीं था घर में। अगर घर में कोई नहीं था तो आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? हमने सोचा कहीं गई होगी साहब। ठीक है, उसके घर की डुप्लीकेट चाबी ले आई। आप लोगों को हमारे साथ बॉडी की शिनाख्त के लिए आना होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? रोहन को क्या जवाब दूंगी अब? अनुराधा और रोहन को हम अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं डॉक्टर साहब। और आपके बच्चे? हमारा बच्चा नहीं है साहब। इन लोगों को आप कब से जानते हैं? जब से ये हमारे पड़ोस में रहने आए थे, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। अगर अन्नू को जरा सा भी कुछ हो जाता तो रोहन पूरा घर सर पर उठा लेता था साहब। अरे क्या हुआ? ए, कमीने! लगी तो नहीं होता? हाथ पांव तोड़ दूंगा तेरा। बैठ जा, बैठ जा। क्या हुआ? यहाँ के बच्चे ज्यादा दर्द हो रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं बेटा, ज्यादा जोर से नहीं लगी, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ रोहन के आते ही हमें इन्फॉर्म कीजिए, बॉडी सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती है। आखिरकार एक डेड बॉडी को उसकी पहचान मिल गई,
अब सिर्फ उसकी मौत के कारणों पर से पर्दा हटाने का काम बाकी था। पहली नजर में तो ये सुसाइड या एक्सीडेंट का केस ही मालूम हो रहा था, लेकिन पुलिस मर्डर के एंगल को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती थी। सवाल यह था कि एक 18 साल की लड़की की जिंदगी में ऐसी क्या बात हो गई थी कि उसने अपनी जान देने का फैसला कर लिया, और जिस भाई के वो इतने करीब थी उसे छोड़कर जाने का कदम उसने कैसे उठा लिया। ये माना कि आत्महत्या करने वाला इन सारे लॉजिक्स के परे होता है, लेकिन क्या ये वाकई एक आत्महत्या का मामला था? और पुलिस अपनी तहकीकात से हत्या के विकल्प को नहीं निकाल सकती थी। सिर्फ लाश की शिनाख्त करना पुलिस का मकसद नहीं था, बल्कि ये पता लगाना था कि आखिरकार अनुराधा के साथ हुआ क्या था। भैया भैया भैया, टाइम क्या हो रहा है? डॉक्टर अंकल ने कहा था 9 बजे दवा लेने को। अनु, हर बात मैं ही तुम्हें बताऊं क्या? तुम खुद क्यों नहीं पता कर लेती? भैया मैं कैसे? ये क्या है भैया? ये घड़ी। अब टाइम जानने के लिए तुझे मुझसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, बस ये बटन दबाया और मेरी बहन अंधी जरूर थी, पर वो जन्म से अंधी नहीं थी, उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। अरे भाई चलो, भाई चलो, देर हो रही है, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? नहीं, बस तैयार हो गई, चलो ना। हम चाचा जी के यहाँ से 6 बजे तक आ जाएंगे। बाय बच्चे। अंकल के यहाँ से वो कभी नहीं लौटे, कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बहुत बुरे दिन थे वो हमारे लिए, मैं खुद इतना बड़ा नहीं था कि अनुराधा को संभाल सकूं, पर समय सब सिखा देता है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी होने लग गया था, लेकिन एक दिन अचानक अनुराधा की आंखों में दर्द उठा। क्या हुआ अनु? भैया मेरी आंख और सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक, मैं आइस पैक लेके आ। आराम मिल रहा है? पहले उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा, फिर धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता रहा, और आखिर मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे कुछ नहीं दिखता है, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना है। भैया मुझे कुछ सही से नहीं दिखता है भैया। हाँ तुम जा रहे हो ना डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। भैया मुझे इस अंधेरे से निकालो भैया, मुझे बहुत दर्द होता है। सब ठीक हो जाएगा। अनुराधा ने तो धीरे धीरे अंधेरे को एक्सेप्ट कर लिया, पर अंधेरों ने उसके अंदर की जीने की रोशनी को ही निकल लिया। किसी डॉक्टर को दिखाया था उसे? छोटे बड़े हर डॉक्टर को दिखाया था, फिर उनके कहने पर हैदराबाद भी लेकर गया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या अनुराधा डिप्रेस भी थी? मतलब क्या यह हो सकता है कि वो खुद ट्रेन के सामने आई हो? सुसाइड? पता नहीं सर, पर पहले भी उसने एक दो बार सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अनु, ये मैंने कुछ पकोड़े। अनु क्या कर रही है? नहीं, अरे नहीं, रोहन रोहन छोड़, नहीं सर नहीं करते रोहन। क्या हुआ आंटी? रोहन क्या हाथ कट रही चाकू से अपना? हाथ कट, मेरा दम घुट रहा है, मुझे नहीं जीना, मुझे छोड़ो। चुप कर, इसे नहीं करते बेटा। श्रीवास्तव अंकल और आंटी ने बहुत हेल्प की, अगर वो नहीं होते तो मैं तो अनु को संभाल ही नहीं पाता। ठीक है, अब जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी। सर ये तो एक सिंपल सुसाइड केस लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी ट्रेन से टकराने से ही मौत हुई है, किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं है। पर किसी ने एक अंधी लड़की को ट्रैक पर जाने से रोका क्यों? कुछ तो नॉर्मल नहीं है, लगता तो सुसाइड ही है, लेकिन वो अकेले इतनी दूर तक पहुंची कैसे? सारे सबूत और गवाह इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अनुराधा ने आत्महत्या की है, उसने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट किया ही था। साफ तौर पर यह मामला डिप्रेशन से गुजर रही एक लड़की के अपने आप को खत्म कर देने का लग रहा था,
लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पुलिस इस बात से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो रही थी, खासकर ये बात कि अनुराधा इतनी दूर अकेले क्यों गई होगी, और अगर एक अंधी लड़की सुसाइड करने के लिए ट्रैक पर चल रही होगी तो क्या उसे किसी ने नहीं देखा होगा। कुछ सवाल थे जिनके जवाब मिलना जरूरी था। क्या ये सब कुछ संयोग था या फिर एक सोची समझी साजिश? पुलिस ने अपने तरीके से कुछ और लोगों से पूछताछ करने का फैसला लिया। मैं तो सुबह निकल जाता हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो यहाँ कुछ ही दिन पहले आया हूँ, यहाँ तो किसी को जानता भी नहीं। रोहन तो दिख जाता था, पर उसकी बहन को तो मैंने कई महीनों से नहीं देखा है। बाहर बहुत कम निकलती थी और अकेले तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम्हारी शिफ्ट कौन सी है? हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं साहब। तो सोते कब? ऐसे ही साहब, दिन में कभी सो जाते हैं दोपहर के खाने के बाद, रात में अक्सर सो जाते हैं। वो क्या है ना कि रात में लोग कम आते जाते हैं सब, यहाँ कौन सा आतंकवादी आने वाला होता है साहब। ऐसे सोसाइटी वालों को दो पैसे कम में 24 घंटे का चौकीदार मिल जाता है और हमको भी दो पैसे अधिक मिल जाते हैं साहब। अनुराधा को जानते हो? वो अंधी लड़की साहब, रोहन की बहन। हाँ, 16 तारीख को यहाँ से बाहर निकली थी, देखा था? नहीं 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 साहब। ठीक से याद करो। पक्का याद है साहब, रोहन उसका बहुत ख्याल रखता है। भैया जी, रोहन साहब। इंटरनेट से सब सीख लिया मैंने, एक नंबर चोटी बनी है तेरी। रोहन साहब। हाँ? कल सुबह पानी नहीं आएगा तो आज शाम को ही भर लीजिएगा कल सुबह के लिए पानी। अच्छा ठीक है, एक मिनट गुड्डू। हाँ, उसका ख्याल रखना ठीक है, और ये कहीं बाहर जाए ना तो मुझे या श्रीवास्तव अंकल को फोन कर देना। पक्का फोन करेंगे साहब। साहब, अनुराधा अगर यहाँ से बाहर जाती तो हम पक्का उसको रोकते या फिर श्रीवास्तव साहब को कॉल करते। साहब, हम कई सालों से इस सोसाइटी में हैं। ड्यूटी ठीक से करते हो? एकदम चुस्ती से करते हैं साहब। देखते हैं। ये चुस्ती की ड्यूटी, एंट्रीज भी पूरी नहीं है। अगर कुछ छुपा रहा है या झूठ बोलकर हमें गुमराह कर रहा है तो 20 साल के लिए अंदर करूंगा, समझा ना? नहीं नहीं चुप। इन घरों में जाकर पूछताछ करते हैं कि वाकई में ये लोग आए थे या फिर फेक एंट्रीज। तो हाँ सर, सुमित मेरा चचेरा भाई है और 16 तारीख को मेरे घर आया भी था, लेकिन बात क्या है साहब? कुछ नहीं, ऐसे रूटीन इंक्वायरी। लेकिन सुमित ने गेस्ट एंट्री रजिस्टर में ना तो अपना मोबाइल नंबर लिखा है ना साइन किया है, क्यों? अरे साहब, वॉचमैन बहुत ही लापरवाह है सर, कई बार विजिटर्स को खुद ही मना कर देता है रजिस्टर में एंट्री करने के लिए, बोलता है कि इससे पेज भर जाएगा। मैंने उसको कई बार डांटा साहब, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से वैसे ही हो जाता है। और तो और साहब, उसका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं है, वो आने जाने वाली लड़कियों को घूरता रहता है। अपने पड़ोस में जो मिश्रा जी रहते हैं उनकी लड़की के साथ छेड़खानी कर दी थी साहब, लोग तो पुलिस में रहने वाले थे, माफ़ी मांगने पर मामले को दबा दिया गया था साहब। ठीक है। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, रमेश को क्यों नहीं जानता? मेरे दोस्त का बेटा है वो, और 16 तारीख को यहाँ आया भी था। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? वॉचमैन की तो बात मत करिए आप, नंबर एक का घटिया और बेकार आदमी है। अरे साहब, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता, मैं तो पुलिस में जाने वाला था लेकिन सोसाइटी वालों ने रोक लिया। पता नहीं सेक्रेटरी से उसने क्या सेटिंग करके रखी है कि हर बार बच जाता है। ठीक है सर, मुझे लगता है सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। चलो, आपकी सोसाइटी के वॉचमैन के खिलाफ इतनी सारी शिकायतें हैं फिर भी आपने उसे हटाया क्यों, और ना ही पुलिस में कोई कंप्लेन दर्ज की? सर कुछ तो सोसाइटी के लोगों का भी प्रॉब्लम है, लोग उससे अपना पर्सनल खुन्नस निकालते हैं, अपना सामान मंगवाना चाहते हैं, और जब वो ड्यूटी छोड़कर जाने से मना कर देता है तो लोग उसकी शिकायत कर देते हैं। पहले कुछ लड़कियों ने सर उसके खिलाफ शिकायत की थी, पर पिछले एक सालों से सर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप कहते हैं सर तो मैं सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके उसको हटा देता हूँ। जी नहीं, पहले मैं तो उससे ठीक से बातचीत कर लूँ। सच यही है साहब कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हम मानते हैं साहब कि रजिस्टर में एंट्री को लेकर हम थोड़े लापरवाह जरूर थे, लेकिन रोहन की बहन वाले मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है साहब। हम पर भरोसा कीजिए, बहुत गरीब आदमी है हुजूर। एक अंधी लड़की अपने घर से निकलकर सोसाइटी के गेट से बाहर जाती है और तू देख नहीं पाता है, कैसे भरोसा कर लूं? हमारी किस्मत टूटी थी हुजूर, हो सकता है उसी वक्त हमारी आंख लग गई। और ये आंख लग गई थी या जानबूझकर आंख बंद करके बैठा हुआ था? हाँ साहब, आप बेकार में हमको मार रहे हैं साहब। साहब वो अमन भी तो उस दिन आया था, लेकिन वो बड़े घर में रहता है, पैसा वाला है, तो उसको नहीं पकड़िएगा, बस हम गरीब को ही मारिएगा सब मिलके। कौन अमन? श्रीवास्तव साहब का बेटा है। क्या, श्रीवास्तव का बेटा?
और आपके बच्चे? हमारा बच्चा नहीं है साहब। हाँ, जो रोहन के पड़ोसी श्रीवास्तव, उन्हीं का बेटा है अमन, एक नंबर का पियक्कड़। उस दिन महीनों के बाद आया था साहब। पहले भी रोहन की बहन से छेड़छाड़ के मामले में उसे सोसाइटी से बाहर निकाला जा चुका है। अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना, आगे से सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसकी एक एक मिनट की खबर चाहिए मुझे। देंगे साहब। और ये मत सोचना कि तुझ पर से नजर हट गई है। निकल। पुलिस को गलत जानकारी देना भी अपराध है, जानते हैं ना? सजा हो सकती है इसके लिए आपको। हमने कोई गलत जानकारी नहीं दी साहब। आपने कहा था आपका कोई बच्चा नहीं, फिर अमन कौन है? अमन ने मेरी कोख से जन्म जरूर लिया है, पर हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हम उसे घर से निकाल चुके हैं। घर से निकाल दिया तो मतलब वो आपका बेटा नहीं रहा? आपको मैं बताना चाहिए था कि आपका एक बेटा है जो अब आपके साथ नहीं रहता है। उस दिन वो यहाँ क्यों आया था? पैसे मांगने आया था साहब, पर हमने उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। पैसे उसको दे देते तो उसकी आदत और बिगड़ जाती। क्या बताऊं साहब, उसे जुए और शराब की तो इतनी खराब आदत लगी है कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे रखे हुए थे वो भी चुरा कर ले गया और जुए में हार गया। और एक बार तो हद ही कर दी उसने, अनुराधा पर बुरी नजर डाली। तब से हमने उससे कोई रिश्ता नहीं रखा, घर से निकाल दिया साहब। माँ बाप की बातों से ये तो क्लियर है कि वो वॉचमैन सही बोल रहा था। सिंह के सामान को थाने बुलाओ। चल बता, क्यों गया था उस दिन वहां पर? सर मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी, इसलिए पेरेंट्स के पास गया था मैं पैसे मांगने के लिए, और उन्होंने भी मना कर दिया पैसे देने से मुझे। और तूने गुस्से में अनुराधा को मार दिया क्योंकि तेरे माँ बाप तुझसे ज्यादा उससे प्यार करते थे, और तेरी बुरी नजर भी थी ना उस पर। मुंह खोलेगा या खुलवाऊं? सर सर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। हाँ, एक बार अनुराधा को देखकर बहका जरूर था मैं। सर उसका भाई चाबी छोड़कर जाता था रोज मेरे। हेलो आंटी है? हाँ अंदर है आंटी। हाँ बेटा। आंटी अनु का ख्याल रखिएगा, मैंने वैसे उसका खाना बना दिया है, जल्दी आने की कोशिश करूँगा मैं। हाँ अगर जल्दी आ गए तो हम शाम का खाना साथ में ही खाएंगे। जी अपना ख्याल रखना। मुझे पता था वो अकेली रहती है, अब मौका पाकर मैं उसके पास चला गया। थी देखता था पर कभी भी टच नहीं किया सर उसको। लेकिन तेरे माँ बाप का कहना है कि तूने उसके साथ बदतमीजी की। सर वो झूठ बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। सर 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 बताता हूँ सर, एक बार, सिर्फ एक बार उसको टच किया और मैं इंतजार करने लगा कि रोहन कब जाए और मैं वहां जाऊं। चल रहा है में क्या दिन में भैया छोड़ो, बचाओ छोड़ो अमन छोड़ो। वो यार रोहन के घर में क्या कर रहा है? क्यों बच्ची को छेड़ रहा है? नहीं नहीं है। अरे ये छेड़ रहा था बच्ची को, ऐसा कुछ नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा समझ
नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे, इन्होंने मुझे छुआ था और मैंने सुना था इन्होंने मेरी फोटो भी ली थी। झूठ बोल रही है ये। नहीं देखो, अरे ये देखिए, अमन, और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने अनुराधा को ट्रेन के आगे धकेल दिया। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा, और इस सबसे मुझे क्या मिल जाएगा? सर वो कोई बच्ची तो है नहीं जो मेरे साथ चुपचाप चली जाती। सर गुस्सा जरूर आया था मुझे उसके ऊपर, क्योंकि उसी के कारण मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाला था। मैं बहुत परेशान था सर, और मैं ये सब क्यों करूंगा सर? ठीक है, अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन गायब मत होना। जी सर। और जब बुलाऊं फौरन आ जाना। जी सर। निकल। बात तो इसकी सही है, अनुराधा इसके साथ क्यों जाएगी? जब इसने अनुराधा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी तो उसने शोर मचाकर अपने आप को बचा लिया था। मतलब अमन का अनुराधा को बहला फुसला कर ले जाना तो बहुत मुश्किल है। सिंह मुझे अभी भी लग रहा है कि अनुराधा किसी जान पहचान वाले के साथ ही घर से निकली होगी। अब इस मामले में रोहन ही कुछ और बता सकता है। हेलो साहब, उद्दू बात कर रहे हैं, वॉचमैन। हाँ बोलो। साहब अभी अभी मैंने रोहन साहब की दोस्त को किसी से बात करते हुए सुना। साहब वो अनुराधा के मर्डर से जुड़ी हुई बात कर रही थी। रोहन साहब की दोस्त भी इसी सोसाइटी में रहती है साहब। पता मालूम है उसका? हाँ साहब, दो गली छोड़ के। ठीक है, और कुछ पता चले तो अपडेट करना। जैन साहब बताते रहेंगे। जी रोहन को जानती है? मैं रोहन को कुछ सालों से जानती थी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त या? एक्चुअली हम दोनों रिलेशनशिप में थे और अभी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप की वजह? रोहन अपनी बहन के केयर में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, और हर गर्लफ्रेंड चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे टाइम दे। पर नहीं, डेट में होने के बाद भी उसका दिल और दिमाग अनुराधा के केयर में ही लगा रहता है और हमारे झगड़े होने लगे। तुम कहाँ बिजी हो रोहन? अरे कुछ नहीं, मैं वो बस मिसेस श्रीवास्तव को मैसेज कर रहा था। अनु की चाय का टाइम हो गया है ना, वो खुद बनाती तो गिरा देती। रोहन वो अपना ख्याल रख सकती है। वही तो, वो नहीं रख पाती है ना। रोहन वो दुनिया की अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो अंधी है। ये क्या तमीज हुई बात करने की, उसे अंधी मत बुलाओ। क्या बोल सूता? आरती, वो हमारी पहली लड़ाई नहीं थी और ना ही आखिरी। अल्टीमेटली हमारा ब्रेकअप हो गया, उसके बावजूद हमारे झगड़े होते ही रहे। किस वजह से? प्रतीक। ये प्रतीक कौन? रोहन के बाद मैं प्रतीक से मिली, वो मुझे अच्छा लगने लगा और हम बाहर मिलने लगे। और एक दिन चलो मेरे साथ। रोहन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। आरती मुझे तुमसे बात करनी। तुम चलो यार। हाँ क्यों? अपनी बहन से फुर्सत मिल गई? अरे जा जाके देख, अंधी का साली कहीं घर ना जा। राम गॉड, अरे छोड़ मत, साले चांस से मार दूंगा मेरी बहन के बारे में। मैं दूर रह मुझसे, मैं तेरी बहन को घर से उठा लूंगा मैं। अबे छोड़ ना यार। रोहन से आखिरी बार कब मिली थी? राधा की मौत के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं रोहन से मिलने गई थी। दुख हुआ था या खुशी? जी प्रतीक कहाँ मिलेगा? पुलिस के लिए एक साथ दो खुलासे हो गए। पहला ये कि रोहन भी किसी रिलेशनशिप में था, और दूसरा रोहन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड प्रतीक के साथ मारपीट की थी। आरती के स्टेटमेंट के मुताबिक ये प्रतीक भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, उसने भी रोहन से बदला लेने की बात कही थी। अब पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में प्रतीक का नाम भी आ गया था। कहीं ये प्रतीक ही तो नहीं था जिसने अनुराधा की हत्या करके रोहन से अपना बदला लिया था? अब पुलिस के लिए प्रतीक से पूछताछ करना बेहद जरूरी हो गया था। हाँ सर, ये सही है कि रोहन और आरती के ब्रेकअप के बाद आरती और मैं मिलते थे। तूने तो रोहन से बदला लेने की कसम भी खाई थी, और अंधी अनुराधा तेरी कसम पूरी करने के लिए बहुत इजी टारगेट थी ना, और इसीलिए तूने उसे मार डाला। नहीं सर, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सर, मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ। मर्डर तो दूर की बात है सर। ठीक है, नजर रखो, बैकग्राउंड चेक करवा सकते। आरती से पूछ लिया, इस प्रतीक की बात भी सुन ली, अब जरा इस रोहन से पूछते हैं, पता तो चले कि तीनों में से सच कौन बोल रहा है। हाँ सर, पहला हाथ मैंने उठाया था, मैं उससे नफरत करता था, उसकी वजह से मेरी आरती दूर हुई थी और उसने मेरे बहन के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोला था, लेकिन उसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई।
अच्छा तुम्हारी बहन कहीं पढ़ाई करती थी क्या? जब हम पहली बार तुम्हारे घर गए थे तो वहाँ ब्रेल में लिखी कुछ किताबें देखी थी। हाँ सर, ब्लाइंड स्कूल में। दरअसल जब से उसकी आंखों की रोशनी गई मैंने उसकी पढ़ाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं। पर एक दिन जब श्रीवास्तव अंकल और आंटी 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे थे तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस दौरान अनु का ख्याल कौन रखेगा। तब अंकल ने ही सजेस्ट किया कि मैं उसे किसी ब्लाइंड स्कूल में डाल दूँ। फिर मैंने अनु से इस बारे में बात की। अनु जी भैया, तुम्हें ना सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा और इसके लिए तुम्हें ब्लाइंड स्कूल जाना होगा। वहाँ जाकर तुम काम करना सीख लोगी, बाहर घूमना फिरना सीख लोगी और हो सकता है कोई नया काम भी सीख लो। मतलब आप मुझसे थक गए हो, आप मुझसे परेशान हो गए हो ना भैया? नहीं नहीं अनु, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझे गलत मत समझ, मैं ऐसे काम छोड़ के कितने दिन तक तेरी देखभाल कर पाऊंगा? अरे मैं तो चाहता हूँ तेरे इलाज के लिए तुझे अब्रॉड लेके जाऊँ, तेरे लिए पर्सनल ट्रेनर रखूँ। लेकिन बेटा इन सब के लिए पैसे चाहिए ना। काश काश भगवान मेरी आंखों की जगह मेरी जान ही ले लेते। तू बैठ यहाँ पे, बैठ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मम्मी पापा के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो तू ब्लाइंड स्कूल नहीं जाना चाहती ना, तो तू मत जाना ठीक है? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। भैया शायद आप सही कह रहे हो, मैं अंधी हूँ, ये चीज मुझे एक्सेप्ट करनी ही होगी। पर क्या करूँ भैया, इस अंधेरे में मेरा दम घुटता है। इस जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मैं अपने भाई का चेहरा भी ना देख सकूं? अरे भैया आप कितने पतले हो गए हो, मेरी चिंता करने के कारण आप अपना ध्यान रखना भूल जाते हो ना भैया? नहीं यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं भैया ऐसा ही है, अगर अगर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपना ध्यान अच्छे से रखोगे तो मैं ब्लाइंड स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। पहले मंथ में तो हम लोग इसे खुद से चलना सिखाएंगे छड़ी के इस्तेमाल करके, उसके बाद बसों और ऑटो में ट्रेवल करना ताकि खुद से कहीं भी आ जा सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। अरे अनु भैया कैसी मेरी बहन? मैं एकदम ठीक हूँ भैया। आपको पता है मैंने ना टिकट खुद लिया और बिना किसी और के सपोर्ट के अकेले घर वापस आई। हाँ पता है इतने टाइम के बाद बस में जाने में बहुत मजा आया। अकेले? हाँ। झूठ बोलती है? नहीं ये बिल्कुल सच बोल रही है, इसने अकेले ही पूरा ट्रेवल किया है। मैं तो बस इसीलिए साथ आई कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हैंडल कर सकूं। क्यूट सिस्टर, माय बेस्ट ब्रदर। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था पर फिर एक दिन मुझे ब्लाइंड स्कूल से फोन आया। देखिए जो लोग जन्म से अंधे नहीं होते हैं और कुछ समय बाद अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं उनके साथ कुछ मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। मैं समझता हूं अनुराधा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए आज सुबह ही उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। क्या? और जब हमारे स्टाफ के लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने एक कसर फोड़ दिया। उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। मैं अब और उसे यहाँ नहीं रख सकता, सॉरी। फिर मैं उसे अपने साथ ले आया। अनु को बहुत अटेंशन चाहिए होता, मैंने उसे डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने उसे दवाइयाँ भी दी, उसका डिप्रेशन कम होने लगा। फिर एक दिन मुझे एक एनजीओ के बारे में पता चला जो ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड लोगों के साथ रख कर पर्सनल केयर और अटेंशन देती थी। मैंने जब अनु से इस बारे में बात की तो वो झट से मान गई। उसे ये जानकर खुशी थी कि वो किसी मैच्योर ब्लाइंड कपल के साथ रहेगी। बस चंडीगढ़ से आकर मैं उसे वहाँ ले जाने वाला था। कौन सा एनजीओ? वसुधा। पुलिस वसुधा एनजीओ गई और वहां जाकर पता चला कि रोहन ने सच में वहां पर अनुराधा के लिए बुकिंग करवाई थी। पुलिस डॉक्टर प्रधान से मिली और उन्होंने भी कहा कि अनुराधा हाई डिप्रेशन में थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ये सुसाइड का मामला हो सकता है। किसी भी केस की फाइल को बंद करने से पहले पुलिस ये सुनिश्चित कर लेती है कि अब किसी भी दिशा में तहकीकात की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और अनुराधा के केस में भी पुलिस ये केस की फाइल बंद करने ही वाली थी कि अचानक उनके सामने एक ऐसा तथ्य आया जिससे वो चौंक गए। ये तथ्य किसी किरदार के रूप में सामने नहीं आया था बल्कि ये सिर्फ एक परिस्थिति की जानकारी थी और इस परिस्थिति का खुलासा
सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था। हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अनुराधा ने सुसाइड किया था। अगर आपको हमारे इस नतीजे पे कोई भी डाउट हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, हम इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जहाँ तक मुझे पता था, मैंने आप लोग को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब आप लोग इन मामलों को मुझसे बेहतर समझते हैं। तुम चंडीगढ़ क्यों गए थे? कितनी बार बता चुका हूँ, जॉब के सिलसिले में। क्यों? अरे क्योंकि वो बेटर ऑफर दे रहे थे। मतलब तुम परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होने वाले थे? नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, पर उनके ऑफर में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब तुम अपनी अंधी बहन को 3 साल के लिए वसुधा एनजीओ में डंप करना चाहते थे? क्या हुआ, अपनी बहन के बारे में कुछ भी भला बुरा सुनने पर उबल पड़ते हो तुम? प्रतीक को तो मार भी दिया था, यहाँ एकदम शांत बैठे। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जा सकते हो। सर, इसकी दी सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही निकली है। सिंह, अब तक हमने इससे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मांगी है, इसकी इंक्वायरी नहीं की है। आज की पूछताछ से थोड़ा हिला हुआ लग रहा है ये। अब इसकी इंक्वायरी निकालते हैं, इसके ऑफिस चलते हैं। रोहन बहुत ही मेहनती और बहुत ही होनहार लड़का है, उससे हमें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। हाँ, उसके सिस्टर के कारण कभी कभी हमें उसे रिलैक्सेशन देना पड़ता था, लेकिन इससे उसके कभी काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वो अपनी सैलरी और बाकी फैसिलिटीज से खुश था? हाँ बिल्कुल सर, रिसेंटली हमने उसकी सैलरी बढ़ाई, उसका प्रमोशन भी किया। ही वॉज वेरी हैप्पी। मुझे रोहन की ट्रैवल की सारी जानकारी चाहिए, जाने की भी और आने की भी। यस सर, लेकिन सर आपको रोहन पे शक है? जिस तरह के बयान लोगों ने दिए हैं, उससे ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि रोहन ने ही अपनी बहन का मर्डर किया। लेकिन फिर भी केस बंद करने से पहले सारी जानकारी लेना जरूरी है। सर, रोहन को बुलाओ। सर, हाथ में क्या हुआ? ये चोट लग गई सर। और कितना झूठ बोलोगे? नहीं सर, मैं चोट नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं गिर गया था। ऐसी चोटें अक्सर कलाई काटने की कोशिश में ही लगती हैं। हाँ सर, मैंने कलाई काटने की कोशिश की सर, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था। मैं अपनी बहन के बिना जीना नहीं चाहता। इतना ही प्यार करते थे उससे, तो उसे मारा क्यों? सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर मैंने अपनी बहन को नहीं मारा। ये तुम्हारे चंडीगढ़ जाने की ट्रेन की टिकट्स और ये फ्लाइट की टिकट्स, दोनों की बुकिंग करा के रखी थी, कोई खास कारण? बहन को बहुत प्यार करता था। जानता हूं, और उसी गिल्ट में खुदकुशी करने की कोशिश की। जानना यह चाहता हूं कि उसे मारा क्यों? अपनी बहन को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, पर मैं आरती को भी चाहता था, मैं आरती के साथ जीना चाहता था, पर अनु के वजह से हमारे रिश्ते में तनाव बढ़ने लगे। मैं 3-4 घंटे में आऊंगा, फिर हम खाना साथ। अरे अनु, अरे ये कैसे हो गया? भैया वो वहाँ चोट लग गई। हेलो, हाँ आरती, आई एम रियली सॉरी, मैं आज आ नहीं पाऊंगा, वो अनु को चोट लग गई है थोड़ी। मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूँ रोहन, रोज तुम कोई ना कोई बहाना देते हो। अनु ये अनु वो, एक काम करते हैं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। हाँ ये सही होगा, तुम जाकर ना अपनी लाडली बहन को संभालो, और प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करना। अरे आरती मेरी बात तो सुनो। आरती, हेलो। रात में मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया, मैं अंदर ही अंदर घुटने लग गया था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, ना मैं अनु को छोड़ पा रहा था और ना ही आरती को बुला पा रहा था। मैं बस इतना जानता था कि अगर अनु किसी तरह मेरी लाइफ से चली जाए तो आरती मेरी जिंदगी में आ जाएगी। फिर मुझे कहीं से पता चला कि एक एनजीओ है जो ब्लाइंड लोगों को स्टेशन से उठाते हैं और उनके फूड और शेल्टर का इंतज़ाम करते हैं। फिर मैंने एक प्लान बनाया, मैंने 14 तारीख को चंडीगढ़ की ट्रेन की टिकट ली और 18 की रिटर्न, और फिर मैं 16 तारीख की फ्लाइट से भोपाल आ गया और उसे फ़ोन किया। हेलो हेलो अनु, मैं रोहन बोल रहा हूँ। हाँ भैया,
मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ, क्या हो गया आपको? अच्छा सुन, मैं आज वापस आ रहा हूँ, मेरी जॉब पक्की हो गई, सैलरी भी अच्छी है, मैं तेरे लिए एक पर्सनल ट्रेनर और केयर टेकर रखूँगा, और वहाँ ना बहुत बड़ा बंगलो है, लॉन भी बहुत बड़ा, तू वहाँ पर घूम सकेगी। अरे वाह, कंग्रेट्स भैया। एक काम कर, तू भोपाल स्टेशन आ जाना, हम वहाँ से कहीं घूमने चलेंगे। वैसे भी एक दो रोज में चंडीगढ़ शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन तू अकेले आ तो जाएगी ना। भैया आप भूल गए क्या, ट्रेनिंग स्कूल में मैंने सब कुछ सीखा है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप खाली मुझे ये बताओ कि मैं कितनी देर में आऊँ। घंटे भर में। अच्छा सुन, तू श्रीवास्तव अंकल को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, हम उनको सरप्राइज देंगे। ठीक है भैया। वो भोपाल स्टेशन पहुंच गई, मैं उसे लेके प्लेटफॉर्म पर आ गया। तू बस एक मिनट यहाँ ठहरा। हाँ। मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ, यहीं पर रुकना। हाँ। कहाँ पे गए? पता नहीं, कहीं गए, आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे बेटा, आप रो मत, आ जाएंगे। भैया क्या हुआ बेटा? भैया भैया कहीं चले गए। नंबर है क्या आपके पास? नंबर नहीं पता। रो मत बेटा, भैया आ जाएंगे। दो घंटे वेट करने के बाद भी कोई एनजीओ वाला उसे लेने नहीं आया। वो घबरा गई और रोने लग गई, और मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया। मैं झट से उसके पास चला गया। अरे मैंने बोला था ना, घबराने की जरूरत नहीं है। भैया आपने कितना देर लगा दिया। सॉरी सॉरी, रियली सॉरी। संभल के सीढ़ी है। क्या हुआ भैया, आप इतने चुप क्यों हो? I'm sorry भैया, मैं ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रो दी, पर मैं क्या करती, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे छोड़कर चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन भैया मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हो, और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। भैया 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 आपका भैया 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 कहाँ हो आप? मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि अंधी वो नहीं, अंधा मैं हो गया था।
भावनात्मक यानी कि इमोशनल परेशानियां थी रोहन के साथ, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो निहायत ही क्रूर था। जब कोई रिश्ता बोझ बनने लगता है तो उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए कई बार लोग जुर्म का सहारा लेने की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई रिश्ता बोझ बनने लगे तो अकेले में घुटने से बेहतर है कि आप किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार से बात करें या फिर किसी डॉक्टर से मिलें। रोहन अगर चाहता तो अपनी परेशानियां श्रीवास्तव जी के साथ डिस्कस करके भी कोई रास्ता निकाल सकता था, लेकिन उसे लगा कि ऐसा करने से उसकी एक अच्छे भाई की छवि खराब हो सकती है। भाई बहन का रिश्ता किसी छवि का मोहताज नहीं होता है, ये एक पवित्र और आजीवन निभाने वाला रिश्ता माना जाता है। अपनी छवि को बचाने के चक्कर में रोहन ने इस पाक रिश्ते को दागदार कर दिया और जो उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी उसे खो दिया। जब भी आप कभी इमोशनली कंफ्यूज या हेल्पलेस महसूस करें तो एक दस्तक है कि आप शायद कोई गलत फैसला ले सकते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि आपको मदद की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उसे अपने भरोसे के लोगों के साथ शेयर करें। एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट बनें। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपके अपने भी। काला शार झीलो आने वाला तो कल ही था, किंतु काज जल्दी खत्म हो गया तो फिर रुककर क्या फायदा। बहुत अच्छा किया। एक मिनट। अरे क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, आमे मिस कर ली की? बहुत ज्यादा। शोती शोती हेलो, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या है ये? ये? अरे ये तुम्हारे ही बाल है मिस्टी। ये बाल घुंघराले हैं, अब मेरे बाल सीधे हैं। कारचुल हो चेटा। तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ। अरे बाबा, I love you। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और रही बात इस बाल की, तो तुम शायद भूल रही हो, घर में माँ भी रहती है, उनके बाल भी घुंघराले हैं, समझी? হ্যাঁ বলো বেটা। মা এই দেখো না, প্রসেনজিৎকে শার্ট পে কিসি লড়কি কা বাল। তুই ইসকে লিয়ে ইতনা পরেশান হোকর ঘুম রহি হ্যায়? আরে মেরা বাল হোগা, বাহার সে আয়া থা তো গলে লাগা থা মেরে, রহ গয়া হোগা উসকে কপড়ো মে। ক্যা ছোটি ছোটি বাতো পে শক করতি রহতি হ্যায়? প্রসেনজিৎ এসা লড়কা নাহি হ্যায়, বহুত প্যার করতা হ্যায় তুজসে। হ্যাঁ এসে যাও, চট কর। प्रश्न जी भूल गई क्या? पंडित जी ने क्या कहा था? सॉरी, भूल गई थी कि हम एक साल तक कुछ नहीं कर सकते। प्रसन्नजीत, ओ प्रसन्नजीत, आज मुझे ऑफिस छोड़ने चलोगे? आज बहुत थका हुआ हूँ, एक्चुअली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ा ना इस बार, कल पक्का तो मैं ऑफिस छोड़ने चलूँगा। लेकिन जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊँगी ना, तब बाहर कहीं डिनर करने चलेंगे। पक्का चलेंगे। लव यू। लव यू टू। बाय। ध्यान रखना अपना। पापी, पापी, आमी आश्ची बेटा।
सॉरी प्रशंजीत, आज डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं मिस्टी, फिर कभी चल लेंगे। प्रशंजीत, प्रशंजीत, एटा कार होच्छे? किसकी पिन है ये? अरे तुम्हारी पिन होगी। प्रशंजीत, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? मेरे पीछे यहाँ पे कोई आती है ना? हाँ? क्योंकि ये मेरी पिन नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ये पिन तुम्हारी होगी। अरे मैं बोल रही हूँ मेरी पिन नहीं है। अरे ये तो मेरी पिन है। अरे आज तुम्हारा वॉशरूम यूज किया था ना मैंने, इसलिए तैयार भी यही हुई थी, यही रह गई होगी। बापी, मेरे वॉशरूम का नल ठीक करा देना याद से। हाँ, और क्या मिष्टी ये बात बात पे झगड़ा करना? मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा वक्त और साथ में बिताना चाहिए, यही अच्छा होगा। मिष्टी, बापी जरा संभल गया, एक गलती सारा खेल बिगाड़ सकती है। इधर देखो, मैं सच में कुछ ऐसा वैसा नहीं कर रहा हूं। मिष्टी, आई लव यू, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। कसम से मिष्टी, मैं जिंदगी भर किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखूंगा, समझी? तो अब रोना बंद करो, चुप कर बेबी। दादा, कोई बाइक के पीछे चलो, चल। बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? पहले दा फाइल टके, आज नहीं आ पाऊंगी, समझ में नहीं आता बात। हाँ मिस्टी, ये बात सही है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, किंतु तुम ही बोलो कैसे करूँ शादी? बैंक में सिर्फ 5,000 रुपये पड़े हैं। तो अरे तो प्रॉब्लम क्या आची? अम्मी आची तो मैं हूँ ना, पैसे अरेंज हो जाएंगे ना। मिस्टी,
तुम तो जानती हो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बाबा ने मेरी शादी के लिए पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाले थे जो मेरे नाम पे हैं। देखो प्रोशनजीत, ये जरूरी नहीं है कि घर सिर्फ एक मर्द के पैसे से चले, इसका बोझ औरत भी उठा सकती है। और फिर जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, मेरी नौकरी तो है ना, डोंट वरी। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। मिशोना, मैं उस लड़के से मिल चुका हूँ। सुमा, कौन सा इंटरव्यू देने वाला था वो? सेल्समैन का। पूरी जिंदगी सिर्फ टारगेट अचीव करते हुए निकल जाएगी। पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी वो नहीं पता, लेकिन अगर निकलेगी तो सिर्फ प्रशंजीत के साथ और नो कारो साथ है ना। तुम अपना मनमानी करना चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से, लेकिन याद रखना जिस दिन तुम इस घर से एक कदम भी बाहर निकालोगी उस दिन से यहाँ तुम्हारे लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बस यही फर्क है आप में और प्रशंजीत में। आपका रिश्ता शर्त पे टिका है, लेकिन उसका प्यार पे, भालो भाषा पे। देखिए, अगर उसने उस 2% के लड़के के साथ शादी की ना तो मेरा उसका नाता खत्म। हेलो मिष्टी। की होलो, कथा हुई चेकी, बात हुई क्या? तुम्हें पता है माँ ने तो हाँ बोल दी है। देखो मिष्टी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ना तो हम कुछ दिन और वेट कर सकते हैं। आर ना, अब वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मिष्टी, ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया जो अचानक से जा रही हो? अरे बाबा, तुम तो जानते हो ना ऑफिस के काम कैसे होते हैं। बस मैं एक दो दिन में आ जाऊंगी, इनफैक्ट मैं एक ही दिन में आ जाऊंगी। चलो बाबू, वहाँ पहुँचते मुझे फोन करना, ठीक है? बिल्कुल। और अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। चल, ध्यान से जाओ। झूठ बोला था कि मैं बाहर जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। मैंने उस लड़की को खुद इस घर में आते हुए देखा है। अरे क्या बेकार में शक करती रहती हो बापी के ऊपर। मैं कह रही हूँ ना, कोई लड़की नहीं है यहाँ पे। माँ आप चुप रहिए, क्योंकि आप भी इसके साथ मिली हुई हैं और मैंने खुद आपको उस लड़के के साथ मॉल से बाहर निकलते हुए देखा है। एक लिमिट होती है हर चीज की, कभी बाल कभी पिन, हर छोटी चीज को लेकर शक करती रहती हो तुम। दरअसल बात तो ये है ना कि तुमने जिंदगी में कभी मुझ पे भरोसा किया ही नहीं। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना तो मैं ही चला जाता हूँ इस घर से। ना ना प्रशांत जी,
तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जाऊंगी तो मैं इस घर से जाऊंगी और वो भी डिवोर्स केस फाइल करने, क्योंकि तुम जो कर रहे हो ना उसके बाद हमारे बीच कुछ नहीं बचता। बापी बापी सुनो तो मिस्टर, तुमको तो माँ प्लीज आप भी जाइए यहाँ से, जाना अपने घर के। उम्र की एक दहलीज पर पहुंचने के बाद हर इंसान अपने लिए एक साथी तलाशने लगता है, लेकिन कई बार जब यह तलाश लंबी होती जाती है तो अपने लिए सही और गलत साथी को पहचानने की नजर भी धुंधली पड़ जाती है। मिष्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उम्र के एक पड़ाव पर उसने ये निष्कर्ष तो निकाल लिया कि प्रसन्नजीत ही उसके लिए बिल्कुल सही साथी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और प्रसन्नजीत की असलियत उसके सामने जाहिर हुई तो उसकी नजरों पर पड़ा पर्दा भी हट गया। पर इसके साथ ही उसे लगी एक गहरी चोट, एक ऐसी चोट जिस पर मरहम लगाने वाला भी कोई उसके पास नहीं था, क्योंकि शायद मिष्टी के लिए देर काफी हो चुकी थी। उसके पास तो माँ की गोद भी नहीं थी जहां वो मन भर कर रो सके। और फिर मिष्टी ने तलाक का फैसला किया, पर इस झगड़े के ठीक बाद अचानक प्रसन्नजीत गायब हो गया। सर, ये मिसेस अर्पिता रॉय है, इन्हें एक मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए प्लीज। मेरे बेटे को ढूंढो सर, मेरा बेटा घर नहीं आया। क्या नाम है आपके बेटे का और कितने दिन से वो घर नहीं आया? प्रसन्नजीत रॉय है, 2 दिन पहले गया था ऑफिस के काम से, बोला था 1 दिन में ही लौट आएगा, अभी तक आया नहीं वो साहब। आपने उसके ऑफिस में किसी से बात की? वहाँ किसी को जानती नहीं मैं साहब। ठीक है, आप अपने बेटे का ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स दीजिए। जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम ही खबर करबो। पर जब से हमारे कंपनी में काम कर रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन हाँ सर, रानीगंज में जिस क्लाइंट से वो मीटिंग करने गया था उस क्लाइंट से वो मिला ही नहीं, उस क्लाइंट का हमें कॉल आया। एक काम कीजिए, अब प्रसन्नजीत की पूरी जॉब प्रोफाइल हमें दीजिए, हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके सर। हाँ बोलो। क्या? ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, सोनारपुर से कॉल था, वहां एक औरत की लाश मिली है। चलते हैं। आइए सर, आइए, लाश इस तरफ है सर, आइए। सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी एज तकरीबन 29 साल है और उसकी बॉडी पे जो निशान पाए गए हैं वो चाकू से स्टैब किए गए हैं। कोई फिजिकल असॉल्ट? नहीं सर, कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं है। इस लड़की की मौत हुए कितना वक्त हुआ होगा? सर तकरीबन 48 से 50 घंटे हो गए। एक काम करो, इस लड़की की फोटोग्राफ सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ, इसके घर वाले इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने जरूर आएंगे, और सारे पुलिस स्टेशन में चेक करना कहीं पहले से कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं लिखी गई, तभी हम इसके घर वालों तक पहुंच पाएंगे। और हाँ, जिस एरिया से इसकी बॉडी बरामद हुई है वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद वहां इस लड़की को किसी ने देखा हो। सर लड़की का नाम मौसमी दास है, तकरीबन 10 साल पहले दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में इस लड़की के खिलाफ एक कंप्लेन लिखाई गई थी। और सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लड़की के खिलाफ कंप्लेन उसी के पिता कंशिक दास ने लिखाई थी, मामला चोरी का था। जी सर, ये मेरी बेटी है मौसमी। तो फिर ये आदिलपुर में क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता सर,
पिछले 10 साल से मेरा इसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये अपने घर में चोरी करके भाग गई थी, मैंने इसे ढूंढने का बहुत कोशिश किया मगर मिली नहीं। फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ FIR लगवाया था। और मौसमी की माँ? वो उसी की वजह से तो सब कुछ बर्बाद हो गया सर, वरना मौसमी कभी ऐसी नहीं निकलती। मौसमी की माँ का कई लोगों के साथ चक्कर था सर। एक बार तो मैंने उसे अपने घर में ही रंगे हाथ पकड़ लिया था। मेरा और उसके बीच बहुत झगड़ा हुआ, फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। ठीक उसके 4 दिन बाद मौसमी मेरे घर में आकर के चोरी की। मेरा सारा रुपया, पैसा, सोना, सब कुछ लेकर के वो गायब हो गई थी। उसकी कोई फोटोग्राफ? जी सर, मैं अभी दिखाता हूं। ये रहा सर। जहांगीर, ये तो अर्पित रॉय है जो अपने बेटे प्रसन्नजीत की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आई थी। हाँ सर। तो ये प्रसन्नजीत भी आपका बेटा है? नहीं सर, मेरा कोई बेटा नहीं। तो फिर ये प्रसन्नजीत कौन है? सर, मैंने आपसे पहले ही कहा, मौसम की माँ का कई लोगों के साथ चक्कर था, हो सकता है उसी में से किसी का बेटा होगा। जहांगीर, मुझे 100% डाउट है कि प्रसन्नजीत का गायब होना और मौसमी की लाश मिलना दोनों में कोई कनेक्शन, पर ये कनेक्शन हो कह सकता है? एक मिनट सर। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है सर, कांस्टेबल देवाशीष का कॉल था, प्रसन्नजीत की कॉल डिटेल आ गई है। सर उसने बताया कि प्रसन्नजीत के नंबर की लास्ट लोकेशन चटर्जी बाड़ी थी, लेकिन सर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रसन्नजीत का नंबर स्विच ऑफ होने से 1 घंटे पहले उसके फोन की लोकेशन सोनारपुर में थी, जहाँ से हमें मौसमी की लाश मिली थी। सर इसका मतलब तो ये निकलता है कि जब मौसमी की मौत हुई तो वहाँ प्रसन्नजीत मौजूद था। जहांगीर, ये दोनों सौतेले भाई बहन की फोन लोकेशन एक ही जगह एक्टिव थी, जिनमें से एक गायब है और दूसरे की हमें लाश मिली। हो ना हो, प्रसन्नजीत ने ही मौसमी को मारा होगा। अर्पिता जी ने अपने बेटे के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई, पर उनकी बेटी तो दुनिया से ही मिसिंग हो गई। एक बार अर्पिता जी से पूछताछ करते हैं। खजी के साथ मेरा अक्सर ही झगड़ा होता था साहब। एक दिन गुस्से में आकर उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब से मौसमी का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। पिछले 10 साल में आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? शुरू शुरू में कोशिश किया था, लेकिन मुझे पता चला कि वो घर से भाग गई है। उसके बाद नहीं पता कि वो कहाँ गई। और जब उसने खुद से कभी मुझसे मिलने की, मुझे फोन करने की कोशिश नहीं की। और ये प्रसन्नजीत किसका बेटा है? सब प्रसन्नजीत कांशिक के साथ शादी के पहले ही हो गया था। प्रसन्नजीत के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, उसी में मौत हो गई थी उनकी। लेकिन इस सब के बारे में मैंने कांशिक को कभी कुछ बताया नहीं। जब मैं कांशिक के साथ रहती थी ना साहब, तो प्रसन्नजीत को मेरी एक मासी ने पाला था। कांशिक का घर छोड़ने के बाद मैं वापस प्रसन्नजीत के पास आ गई, अपने बेटे के पास। बड़ी अजीब फैमिली है। 10 साल में ना तो बेटी ने माँ बाप से बात की और ना ही माँ बाप ने बेटी तक पहुँचने की जद्दोजहद की। एक काम करो, दोनों के फोन सर्विलेंस पे डाल दो और इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करो। सर। सर मैंने दोनों के पड़ोसियों से बातचीत की, इस बीच एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई। प्रसन्नजीत के पड़ोसियों ने उसके घर मौसमी को आते जाते देखा था। इसका मतलब मौसमी की मां हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? बुलाओ उसे, एक बार सख्ती से पूछताछ करनी होगी। अर्पिता जी, आपने तो कहा था पिछले 10 साल से आपका आपकी बेटी से कुछ लेना देना नहीं, पर वो तो आपके घर आती जाती है। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो मेरे घर आती जाती थी। वो आपके घर आती जाती थी और आपको पता ही नहीं है? श्रुति साहब, मेरी बात पर विश्वास कीजिए आप। साहब, हो सकता है ये सब कुछ कंशिक का किया हुआ हो। कंशिक का? हाँ साहब, हो सकता है उसे मेरी शादी के पहले के संबंध के बारे में पता चल गया हो, उससे हुए मेरे बेटे के बारे में पता चल गया हो। उसको ऐसा लगता हो कि मौसमी उसकी बेटी नहीं है। वैसे भी मेरी खुशियों से हमेशा चलता था वो साहब, मुझे फंसाने के लिए ये सब कुछ किया उसने साहब। मौसमी को बहला फुसला कर उसने अपनी तरफ कर लिया और उसके साथ मिलकर ये जाल बुना साहब। मिस्टेक है, ऑफिस में गई है सर। सर, सर एक मिनट,
सर कंशिक की कॉल डिटेल से मैं ये पता लगा है कि उसका नंबर उस रोज उसी लोकेशन पे एक्टिव था जहां से हमें मौसमी की लाश मिली थी, और सर वहीं पर प्रशंजीत का नंबर भी एक्टिव था। नफरत और लालच भरे रिश्तों के ताने बाने में यह केस और उलझता जा रहा था। पुलिस के शक की सुई मौसमी के माता पिता पर थी, और तभी पुलिस को मौसमी के पिता कनिष्क के कॉल रिकॉर्ड्स मिले, जिससे मिली जानकारी से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि इस हत्या के पीछे मौसमी के पिता का हाथ है। आखिर हुआ क्या था, क्यों मारा गया था मौसमी को, इन सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस ने मौसमी के पिता कनिष्क को गिरफ्तार कर लिया। सर देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो, लोगों को गलतफहमी हो रही है सर, मेरी बात सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, आप तो खामखा मुझे लेके जा रहे। मुझे मौसमी का फोन आया था इसलिए मैं वहां गया था। उसने मुझे 10 साल बाद फोन किया था साहब। इतने लंबे समय के बाद मुझे लगा कि शायद वो सुधर गई होगी, इसलिए मैंने उससे मिलने का फैसला किया था साहब। यही तो बुलाई थी मौसमी। मौसमी, 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 मौसमी। मैं बहुत डर गया था सर, मुझे लगा कि सब यही बोलेंगे कि मैंने मौसमी को मार दिया है। लोगों के पास एक बोलने के लिए वजह भी तो हो जाती है ना, कि मैं क्यों 10 साल बाद यूं अचानक उससे मिलने गया। और एक टस्टर, एक और कहानी। ऐसी कहानी हम कई बार सुन चुके हैं। तुझे तो वो तब से नापसंद थी ना, जब से उसने तेरा घर लूटा था। ऊपर से तुझे ये लगता था कि मौसमी तेरी बेटी है ही नहीं, इसीलिए तूने उसे मार डाला ना। तू ही मेरा चना। मैंने किसी को नहीं मारा सर। अगर मेरे दिल में उसके खिलाफ कुछ था भी तो मैं 10 साल बाद उसे क्यों मारूंगा सर। और फोन उसी ने किया था सर। जब मौसमी ने तुझे फोन किया तो कितने बजे किया था? रात को करीब 10:15 हो रहे होंगे सर। उस रात 10:13 पे कंशिक के नंबर पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। जहांगीर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये खून इसने किया ही ना हो? ये कोई और ही है जो इस सब में उसे फंसाना चाहता है। उसी ने कंशिक को फोन करके वहां बुलाया होगा। वैसे भी मौसमी का खून तो दिन में हो चुका था और इसे कॉल रात को किया गया। जहांगीर, इस प्रशंजीत का मिलना बहुत जरूरी है। बिना उसके मिले ये गुत्थी नहीं सुलझ सकती। जैसे भी, जहां से भी पॉसिबल हो, मुझे ये प्रशंजीत चाहिए। सर, प्रशंजीत को लेकर एक तो शॉकिंग न्यूज है। क्या? सर, 12-7, मालदा, इस्लामपुर और कोलकाता समेत कई सारे पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल है। सर, इन सारी जगह की पुलिस को भी प्रशंजीत की तलाश है। सर, इन सारे केसेस में उसने कुछ लड़कियों के साथ शादी की, फिर उनके साथ कुछ वक्त बिताया और उनका भरोसा जीत लेने के बाद उनके रुपये और गहने लेके चंपत हो गया। और सर, इन सारे केसेस में मौसमी को भी देखा गया था। तो इस खेल में भाई बहन की जोड़ी थी जो बड़े बड़े हाथ मार रही थी। हाँ सर, प्रशंजीत पहले लड़कियों से शादी करके उनका भरोसा जीत लेता था, उसके बाद उसकी बहन उस घर में घुस के लूट के वारदात को अंजाम देती थी, और सर वारदात के बाद प्रशंजीत भी नजर नहीं आता था। इस बार जरूर दोनों में अपने अपने हिस्से को लेकर झड़प हुई होगी। दोनों में से किसी एक को लगा होगा कि उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, और फिर प्रशंजीत ने मौसमी का खेल खत्म कर दिया होगा। सर, एक तो न्यूज और, ये दोनों भाई बहन जहां जहां जाते थे उन सारी जगहों पर इनकी माँ को भी देखा गया था। माँ? सर, इसका मतलब इनकी माँ और पिता भी इस सब में इनकी हिस्सेदार थी। हाँ सर। हाँ बोलो। सर, प्रशंजीत की माँ झूठ बोल रही है। क्या? हाँ सर, मिस्ट्री तो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं गई। ठीक है सर, मिस्ट्री गायब है। मिस्ट्री गायब? लगता है ये लोग अपना काम कर गए।
लगता है साथ में रुपये और गहने लेके चंपत हो गए। सर ऊपर भी सारा सामान बिखरा पड़ा है, घर में कोई नहीं है सर। ये माँ बेटा बहुत ही चलाक है, सारा सामान लेकर यहाँ से गायब हो गए। जागीर पता लगाओ ये घर किसके नाम पर है, और इस प्रसन्नजीत ने अब तक जितने लोगों को भी चूना लगाया सबके बैंक डिटेल इकट्ठा करो, सारे अकाउंट्स को चेक करो, हो सकता है इन सब में कोई ऐसा कॉमन बैंक अकाउंट हो जो हमारे काम का। मिस्टिका, मिस्टी की जान को खतरा है, चलो। आखिर इस केस में पुलिस के सामने एक चौंका देने वाला सच आया। प्रसन्नजीत के साथ मिलकर उसकी सौतेली बहन मौसमी और इन दोनों की मां अर्पिता लोगों को शादी के झांसे में फंसाकर लूटने का काम किया करते थे। क्या इन तीनों की तिकड़ी बिगड़ चुकी थी जिसकी वजह से मौसमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और इनका अगला शिकार शायद मिष्टी थी जिसे प्रसन्नजीत ने अपने प्यार के जाल में फंसाया था। पर आखिर मिष्टी थी कहां? क्या उसके साथ भी कोई अनहोनी होने वाली थी? आमाके छेड़े था, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब मैं प्रसन्नजीत के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। बोलेगी तो तू तब ना जब हम तुझे बोलने देंगे। हाँ वो तो अच्छा हुआ जो सही समय पर तू हमारे हाथ लग गई, वरना पुलिस तुझे पकड़ लेती और तू पुलिस के आगे सब कुछ बक देती और हमारा सारा खेल खत्म हो जाता। कल सुबह निर्वाण तेरा सारा पैसा बैंक से निकाल लेगा, उधर तेरा पैसा निकलेगा और इधर तेरी जान, सब ठीक? सर घर के पेपर तो मिष्टी के नाम पे ही है। सर हमें कई सारे ऐसे अकाउंट नंबर मिले जिसमें पैसों का ट्रांजैक्शन तो हुआ है, लेकिन ये सारे अकाउंट 6 से 8 महीने के बीच बंद कर दिए गए। और सर इन्हीं सब के बीच हमें डीएसएम कोऑपरेटिव बैंक का वो अकाउंट नंबर भी मिला जिसकी हमें तलाश थी। ये ज्वाइंट अकाउंट 3 लोगों के नाम पे है सर, मौसमी दास, अर्पिता दास और निर्वाण चक्रवर्ती। और एक और बात सर, बारासा के एक होटल से हमें सीसीटीवी की फुटेज मिली है, उसकी मैंने फोटो निकाल ली है। इसमें मौसमी एक लड़के के साथ दिख रही है। ना तू हमारी किसी काम की नहीं रही और तेरे जिंदा रहने का हमें कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए तुझे मरना होगा। मरते आवे तो के तुम ठीक तो ना? बता दो मैडम आपको हमारे साथ आने समय लेकर मुझे क्या? मैंने कुछ किया नहीं है। एक मिनट, बता प्रसन्नजीत कहाँ है? कहाँ छुपाया तुम लोगों ने उसे? सब सत्य बोल जी, सब मुझे कुछ नहीं मालूम सब। देख झूठ मत बोल, तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, सीधे सीधे बता दे वरना वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। जल्दी बोल सब, अभी किसी जा ही ना सब। तो फिर किसे मालूम है? जल्दी बोल। सर उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आई और ऊपर के कमरे में गई तो मैंने वहां लड़कियों की चीजें देखी, बाल कपड़े। मुझे लगा कि कोई लड़की है, मुझे बाथरूम से आवाज आई और फिर मैं उस तरफ गई और दरवाजा खोला क्या?
प्रसन्नजीत लड़का नहीं लड़की था? तुम्हारी बेटी मर्द के बेश में एक औरत थी? क्यों छुपाया दुनिया से ये सब? कब से चल रहा था ये नाटक? साहब, बचपन से ही मौसमी को लड़कों के जैसा कपड़ा पहनना, उनके साथ रहना और उनके जैसा दिखना अच्छा लगता था। वो कपड़े खरीदने भी जाती थी तो लड़कों के कपड़े खरीदने की जिद करती थी। उसने माना ही नहीं कभी साहब कि वो एक लड़की है। लेकिन लोगों को ठगना, उन्हें उल्लू बनाना, ये सब कब से शुरू किया? जब हमने कांशिक का घर छोड़ा साहब, तो मौसमी को लड़का बनकर रहने की आजादी मिल गई। लोगों को भी समझ में नहीं आता था कि वो एक लड़की है। मौसमी ने भी इस सब का बहुत फायदा उठाया। वो लोगों को ढक कर छू मंतर हो जाती थी साहब, और मुझे भी पैसा कमाने का ये एक आसान साधन लगा। तुम्हारी पहचान इन लोगों से कब और कैसे हुई? तकरीबन आज से 5 साल पहले मौसमी से मैं अपने दोस्त के जरिए मिला था सब, और उसकी असलियत जानने के बाद हम लोगों ने यह तय किया थे कि उसकी इस खूबी का हम लोग बड़ा फायदा उठाएंगे और बड़ा हाथ मारेंगे। और सब मौसमी हमेशा प्रसन्नजीत का भेष बदल के ही चलती थी। अमीर घर की लड़कियों को फंस कर शादी कर लेती थी और हम सब मिलकर उनका सब कुछ लूट लेते थे। लेकिन मौसमी को किसने मारा? उसने मेरे साथ एक ऐसा धोखा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैंने प्रसन्नजीत को इतना प्यार किया, सब किचू छेड़े, निजे माँ बाप सबको छोड़कर मैं उसके पास आई थी। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसलिए साहब मार दिया मैंने उसे। तुम्हारी तो वो लड़की थी, तो तुमने उसकी हत्या की बात क्यों छुपाई? क्यों किया तुमने ऐसा बोल? क्यों किया? हाँ, मार डाला तुम्हारे बेटे को। तुम माँ बेटी से मिलके मेरे साथ क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, एक लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी, इसका नतीजा यही होना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को एक न एक दिन जेल जाना ही था, इसीलिए हम लोगों के बीच एक समझौता हुआ। न इस खून के बारे में मैं किसी को बताऊंगी और मिष्टी हमारे राज को राज रखेगी। इसीलिए हमने लाश को चुपचाप ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। मौसमी की हत्या तो दिन में ही हो गई थी, फिर रात को कंचिक को फोन किसने किया? मैंने किया था, इनके कहने पर। हेलो बाबा, आमी मौसमी कथा बोल ची। मौसमी? क्या? कंचिक ने मुझे घर से बाहर निकाला था, मुझे लगा इतने सालों के बाद यही एक अच्छा मौका है उससे बदला लेने का। तो फिर झूठी मिसिंग रिपोर्ट क्यों लिखवाई थी? हमने सोचा कि किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो मौसमी थी ही नहीं, और हम सब भूल गए थे कि प्रसन्नजीत तो है दुनिया की नजरों में। और प्रसन्नजीत अगर वापस नहीं लौट के आया तो इसके ऑफिस वाले उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए सर, हमने सोचा कि उनके लिखाने से पहले हम ही मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर। ये तो तुम्हारे साथ मिली हुई थी, फिर इसे मारने की कोशिश क्यों की तुम लोगों ने? जब पुलिस मिष्टी को खोजने लगी तो हम डर गए। हमें लगा कि कहीं पुलिस मिष्टी को पकड़ न ले और मिष्टी पुलिस को सब कुछ न बता दे, इसीलिए हमने इसे मारने की कोशिश की। तुम लोगों ने अपना खेल बहुत चालाकी से खेला था, लेकिन भूल गए कि कानून की नजरों से आज तक ना कोई बचा है और ना ही बचेगा। अब अपनी बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटना, ले जाओ इन लोगों को। इस केस में दुनिया की नजर में दो लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपना अपना किरदार निभा रहे थे, लेकिन इन किरदारों के पीछे चेहरा एक ही था, और वो चेहरा था जुर्म का चेहरा। इस केस के पात्रों को तो ये सबक मिला ही है,
साथ ही हम सबको ये सीख मिली है कि जिंदगी में चुना हुआ कोई भी गलत रास्ता हमें कभी भी सही मंजिल तक ले जा ही नहीं सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।